दोस्तों, क्या आपको पता है कि संघर्ष का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और कुछ लोग संघर्ष ही नहीं करते क्योंकि संघर्ष ही हमारे अंदर कुछ गुण पैदा करता है, और वो गुण तभी आते हैं जो जब हम संघर्ष करते हैं, और वही गुण हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। तो आज हम यही चीज़ एक कहानी से समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हुआ क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी धूप तेज हो जाती थी, कभी ओले पड़ जाते थे। तो कोई ना कोई कारण हर बार होता था, और उन्हीं कारणों की वजह से उस किसान की थोड़ी फसल खराब हो जाती थी। तो एक दिन वो बड़ा तंग हुआ, तो उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं लेकिन लगता है आपको खेती की कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे एक साल का मौका दीजिए, और इस साल के अंदर जैसा मैं मौसम चाहूँ वैसा हो जाए, फिर आप देखना कि मैं कैसी फसल खड़ी करता हूँ, आप देखते रह जाएंगे। तो भगवान पहले तो मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, इस साल जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा मौसम कर दूंगा, मैं कोई दखल नहीं दूंगा, बस मुझे बता देना। तो किसान ने कहा, ठीक है। तो किसान ने गेहूं की फसल उगाई, और उसने जब धूप चाही तब धूप आ गई, जब उसने पानी चाहा तब पानी मिल गया, और उसने क्या किया, जो तेज धूप थी, ओले थे, बाढ़ थे, आंधी थी, उन्हें आने ही नहीं दिया। समय के साथ साथ उसकी फसल बढ़ती जा रही थी, और किसान की खुशी भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि फसल बहुत अच्छी थी, हरी भरी लहरा रही थी, मतलब ऊंची खड़ी थी। तो किसान मन ही मन सोच रहा था कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसी होती है, और भगवान मेरी फसल देखते ही रह जाएंगे, बेकार ही, मतलब इतने वर्षों से हमें परेशान कर रहे थे। तो वो वक्त आ गया जिसका भगवान इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये फसल काटने का समय था, और किसान बड़ा गर्व महसूस कर रहा था, और वो बड़े गर्व के साथ फसल काटने गया। लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से दुख के साथ छाती पे हाथ रख के बैठ गया, और उसने कहा कि भगवान ये क्या हो गया, क्योंकि गेहूं के अंदर कोई, गेहूं की जो बाली होती है उनके अंदर गेहूं ही नहीं थे, बाली जो होती है जिसके अंदर गेहूं बनता है, तो कोई गेहूं ही नहीं था, सारी बाली अंदर से खाली थी। तो किसान बड़ा दुखी हुआ, उसने भगवान से पूछा कि भगवान ये क्या हुआ। तब भगवान बोले, ये तो होना ही था, तुमने जो पौधे थे उन्हें संघर्ष ही नहीं करने दिया, उन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, न तो उन्हें तेज धूप में तपने दिया, ना आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया, ना उनको किसी प्रकार की, मतलब जो चुनौती थी उनका एहसास होने दिया तुमने, तो इसलिए सब पौधे अंदर से खोखले रह गए। क्योंकि जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े होते हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है उसी से उन्हें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वो उन्हीं के कारण बीज बनते हैं, वो गेहूं बनते हैं। जैसे मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सोना है, सोने को भी जब कुंदन बनाते हैं तो उसे आग में तपाते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं, और उसे गलाते भी हैं, पिघलाते भी हैं, मतलब उसे बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी वो इतना अच्छा बन पाता है, इतना आकर्षित बन पाता है, और इतना अनमोल बन पाता है। तो दोस्तों, उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है, अगर हमारी ज़िंदगी में संघर्ष ना हो, चुनौतियाँ ना हो, तो आदमी भी उसी बीज की तरह खोखला रह जाता है अंदर से, उसके अंदर कोई गुण ही नहीं आ पाता क्योंकि उसने किसी भी संघर्ष का सामना नहीं किया, और ना ही इंसान को सफलता के रास्ते मिल पाते उसे, मतलब ना ही वो प्रतिभाशाली बन पाता। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई भी चुनौती आती है तो उसे हंसी हंसी स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने वाली है, आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलने वाली है। अगर आपने उस चुनौती का सामना नहीं किया तो आप अंदर से खोखले रह जाएंगे, और जिंदगी भर, मतलब आपके अंदर कोई प्रतिभा नहीं आएगी। तो संघर्ष का हंसी खुशी, हर चुनौतियों का हंसी खुशी सामना कीजिए, क्योंकि वो आपका कोई नुकसान नहीं करने वाली, वो आपको कुछ सिखाने वाली है जो आपके लिए काम आएगा, सफलता को प्राप्त करने के लिए काम आएगा।